हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हम बनाते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से। तो अभी तक अगर आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप वाला वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो जाइए और एसआर फ्लिप फ्लॉप का वीडियो देखिए, उसके बाद आपको जेके फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल इजिली समझ में आ जाएगा। तो जेके फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करने के पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जेके फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप बहुत अच्छे से आता है, आपने एसआर लैच, एसआर फ्लिप फ्लॉप सारी चीजें पढ़ रखी है, ठीक है। अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप देखिए, जहां पे मैंने लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस बताया है, एसआर लैच एक्सप्लेन किया है और एसआर फ्लिप फ्लॉप बताया है। जब आपको ये सब बनेगा तभी आपको जेके फ्लिप फ्लॉप बनेगा, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम है एसआर फ्लिप फ्लॉप का और ये ट्रुथ टेबल है एसआर फ्लिप फ्लॉप का। एसआर फ्लिप फ्लॉप का जब आप ट्रुथ टेबल देखोगे तो यहाँ पे हमारे दो इनपुट होते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप में, एस और आर। दो इनपुट के हमारे पास ये चार कॉम्बिनेशन होते हैं, 00011011। जब अपन ने एसआर फ्लिप फ्लॉप को 00 इनपुट दिए, उस टाइम पे हमारा फ्लिप फ्लॉप अपनी प्रेजेंट स्टेट को, क्यूएन हमारी प्रेजेंट स्टेट होती है और क्यूएन प्लस वन हमारी नेक्स्ट स्टेट होती है, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप अपनी प्रेजेंट स्टेट को होल्ड करके रखेगा, यानी एक मेमोरी एलिमेंट की तरह काम करेगा। अब हम नेक्स्ट इनपुट अप्लाई करेंगे, यानी S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 1। जब हम ये कॉम्बिनेशन इनपुट का अप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 0, ये हमारे सर्किट की रीसेट स्टेट है। फिर हम इनपुट अप्लाई करेंगे 10, यानी S1, R0, तो हमें आउटपुट मिलेगा 1, ये हमारे सर्किट की सेट स्टेट है। तो इन तीनों कंडीशन के लिए, इन तीनों इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो बिल्कुल सही वर्किंग कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हम S इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 1 प्रोवाइड करते हैं, यानी दोनों इनपुट हमारे 1-1 हो जाते हैं, तो हमारा SR फ्लिप फ्लॉप जो है वो इनवैलिड आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हमने जेके फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्ट किया है। SR फ्लिप फ्लॉप की ये इनवैलिड वाली स्टेज को सॉल्व करने के लिए हमने जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया है, यानी एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हम इस ट्रुथ टेबल से कह सकते हैं कि 75%, बाकी की सारी स्टेज आपकी एसआर फ्लिप फ्लॉप की सेम होंगी जेके फ्लिप फ्लॉप में, ये तीनों, तो हम कह सकते हैं कि 75% हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो एसआर फ्लिप फ्लॉप के सिमिलर है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब S इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 1 होता है तो हमारा आउटपुट इनवैलिड आता है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप इसको सॉल्व करेगा, और सॉल्व कैसे करेगा, जब हम जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करेंगे तो ये इनवैलिड स्टेट हमारी टॉगल स्टेट में चेंज हो जाएगी। अब टॉगल का मतलब क्या होता है, तो टॉगल का मतलब होता है कि अगर हमारा प्रेजेंट स्टेट क्यूएन है तो हमारा नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा, Qn का बार, मतलब हमारा आउटपुट हमें Qn का बार मिलेगा। अब Qn की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो Qn बार हमें 1 मिलेगा, अगर Qn की वैल्यू 1 है तो हमें Qn का बार 0 मिलेगा। ये कहलाती है टॉगल। ये और क्लियर होगी जब अपन पूरा जेके फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे देखेंगे। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया ये टॉगलिंग क्या हो रही है, तो टॉगलिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे प्रेजेंट स्टेट है उसका कॉम्प्लीमेंट हमें नेक्स्ट स्टेट में मिलेगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट स्टेट आपकी क्यूएन है तो नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट क्या आएगा, क्यूएन बार, ये कहलाती है टॉगलिंग। अब ये और क्लियर होगी आपको जब हम ये पूरा जेके फ्लिप फ्लॉप देखें। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप में बहुत स्मॉल मॉडिफिकेशन करके हम अपना जेके फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, क्योंकि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है, एसआर फ्लिप फ्लॉप में ये हमारा एसआर लैच है और ये पूरा सर्किट हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप कहलाता है,
इसमें दो इनपुट हैं एस और आर और एक क्लॉक इनपुट है सीएल के। ठीक है, ये सर्किट हमारा तब वर्क करेगा जब हमारा क्लॉक इनपुट वन होगा, यानी हमारा क्लॉक सिग्नल हाई होगा। तो हम हमेशा मान के चलेंगे हर कॉम्बिनेशन के लिए इनपुट के हमारा क्लॉक सिग्नल की वैल्यू वन है। ये हमारा एसआर लैच है, एसआर लैच का ट्रुथ टेबल ऑलरेडी आपको पता है, उसका ऑपरेशन पता है, तो एसआर लैच का ट्रुथ टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है। अब इसमें दो आउटपुट है क्यू एन और क्यू एन बार, या इसको हम क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू और क्यू बार। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब इसमें हमको मॉडिफिकेशन क्या करने हैं, तो दो मॉडिफिकेशन करने हैं हमको। सबसे पहले हम एस को रिप्लेस करेंगे जे से, एस को हटाएंगे और रिप्लेस करेंगे जे से, और आर को रिप्लेस करेंगे हम के से। दूसरा मॉडिफिकेशन हमको करना है कि जो हमारा क्यू आउटपुट है, या जिसको हम क्यू एन आउटपुट भी कहते हैं, इस आउटपुट को हमें फीडबैक करना है इस वाले नैंड गेट में, जिसमें हमने के इनपुट दिया है, और जो हमारा क्यू एन बार वाला आउटपुट है उसको यहां से उठा के हमें फीडबैक करना है इस वाले नैंड गेट में, जिसमें हमने जे इनपुट दिया है। बस यही मॉडिफिकेशन करने हैं और ये सर्किट बन गया आपका जेके फ्लिप फ्लॉप का। ये हमने जो फीडबैक पाथ प्रोवाइड किए हैं वो अपने इनवैलिड स्टेट को वैलिड करने के लिए किए हैं। अब हम इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। तो इसका ऑपरेशन देखने से पहले मैंने अभी आपको बताया था कि जेके फ्लिप फ्लॉप 75% सिमिलर होता है हमारे एसआर फ्लिप फ्लॉप के, यानी एसआर फ्लिप फ्लॉप की ये तीनों कंडीशन जो है वो सिमिलर है जेके फ्लिप फ्लॉप से। चेंज कहां आएगा, चेंज आएगा इस वाली कंडीशन में जब दोनों इनपुट वन वन होंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले एक जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। इसमें देखिए हमारे पास दो इनपुट हैं जे और के, ठीक है, जे और के, इनके होंगे चार कॉम्बिनेशन 00, 01, 10 और 11। चारों कॉम्बिनेशन के लिए हम मान के चल रहे हैं कि हमारा क्लॉक इनपुट जो है वो हाई है। क्लॉक हाई होगी तभी हमारा सर्किट ऑपरेट करेगा, यानी ट्रिगर होगा, ठीक है, और अपनी स्टेट को चेंज करेगा और हमें आउटपुट मिलेगा। तो हम हर बार मान के चलेंगे कि हमारी क्लॉक पल्स हाई है। तो इसको आप कंसीडर करो या नहीं करो, लिखो या नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे देखिए जब हमारी ये तीन कंडीशंस हैं जे इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू जीरो, तो हमारा सर्किट एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा, आउटपुट हमें होल्ड मिलेगा, यानी हमारा सर्किट अपनी प्रेजेंट स्टेट को होल्ड करके रखेगा क्यू एन को। जब हमारे जे की वैल्यू जीरो है, के की वैल्यू वन है, तो हमारे सर्किट का आउटपुट एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह होगा और आउटपुट हो जाएगा जीरो, यानी सर्किट रीसेट स्टेट में होगा। जब जे की वैल्यू वन है, के की जीरो है, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप आउटपुट देगा वन, क्योंकि ये हमारी तीनों स्टेज हमारे एसआर फ्लिप फ्लॉप से सिमिलर है, तो वन आएगा, मतलब हमारी जो सर्किट है वो सेट स्टेट में होगा। तो ये तो हमारे बिल्कुल एसआर फ्लिप फ्लॉप के सिमिलर है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी। आप जाइए और एसआर फ्लिप फ्लॉप वाला वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हम कौन सा देखेंगे, हम कौन सा फोकस करेंगे, ये जो लास्ट स्टेज है जिसमें जे इक्वल टू वन, के इक्वल टू वन है और क्लॉक भी वन है। तो यहां पे देखिए जब हमने जे को वन दिया, के को वन इनपुट प्रोवाइड किया और क्लॉक हमारी वन है, तो हमारा सर्किट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उस टाइम पे। इन दोनों नैंड गेट में हमारे पास तीन तीन इनपुट है, मतलब के वाला जो नैंड गेट है उसमें क्लॉक, के और एक ये वाला इनपुट है। ये इनपुट जो है वो हमें क्यू एन के फीडबैक से मिला है, और इस वाले में भी हमारे पास तीन इनपुट हैं, जे, क्लॉक और ये वाला इनपुट, जो हमें क्यू एन बार के फीडबैक से मिला है। ठीक है,
तो हमें मालूम है कि नैंड गेट में अगर एक भी इनपुट जीरो होगा तभी आउटपुट वन मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इस वाले नैंड गेट में ये दोनों इनपुट तो वन वन है लेकिन ये इनपुट हमें नहीं मालूम। ऐसे ही इस वाले नैंड गेट में ये दोनों इनपुट तो वन वन है लेकिन ये वाला इनपुट क्या होगा हमें नहीं मालूम है। तो हम क्या करें, यहाँ पे हम अपने Qn और Qn बार को एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो दो केस होंगे हमारे पास, केस वन। केस वन क्या है, जिसमें J इक्वल टू वन, K इक्वल टू वन, क्लॉक वन है। तो हम एज्यूम करेंगे कि हमारा Qn वाला इनपुट जो है वो जीरो है। अगर Qn इनपुट आपका जीरो होगा तो Qn बार उसका कॉम्प्लीमेंट वन होगा, ठीक है। अगर Qn जीरो है मतलब जीरो यहां से जा रहा है इस वाले नैंड गेट में। अब अगर Qn बार की वैल्यू वन है तो यहां से देखिए ये Qn बार जा रहा है इस वाले नैंड गेट में, तो Qn बार यहां पे वन जाएगा, मतलब इस नैंड गेट के तीन इनपुट वन वन जीरो हो जाएंगे। और नैंड गेट कहता है कि अगर एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट आपको वन मिलेगा, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आपको वन मिलेगा। अब इस वाले नैंड गेट में देखिए हमारे तीनों इनपुट वन है तो हमारा नैंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे आ गया जीरो और यहाँ पे आ गया वन। अब जब हम इस एसआर लैच में जीरो और वन देंगे तो हमारे एसआर लैच का आउटपुट क्या आएगा, एसआर लैच का आउटपुट जीरो और वन के केस में यानी इसमें आता है वन। यहाँ पे देखिए ये एसआर लैच का ट्रुथ टेबल है, जीरो दिया और वन दिया तो आउटपुट आएगा वन। तो मतलब क्यू एन की वैल्यू आ जाएगी वन। अगर क्यू एन वन है तो क्यू एन बार क्या हो जाएगा, जीरो। कि नेक्स्ट स्टेज क्या आई, आउटपुट क्या मिला हमें, वन। मतलब अगर हम प्रेजेंट स्टेट आउटपुट की जीरो है, जीरो मान के चल रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेट आउटपुट की क्या आएगी, वन आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेज आउटपुट की वन आ रही है। अब अपन इसको चेंज करके देखते हैं, तो अब हम कंसीडर करेंगे क्यू एन इक्वल टू वन, तो क्यू एन बार क्या होगा, जीरो, ठीक है। ये हमारा केस सेकेंड है। केस सेकेंड में J इक्वल टू वन, K इक्वल टू वन, क्लॉक है वन, लेकिन एज्यूम किया हमने Qn इक्वल टू वन। अब अगर हमने Qn की वैल्यू वन ली है तो यहां फीडबैक पाथ कनेक्ट है हमारे इस वाले नैंड गेट से, Qn कनेक्ट है इस नैंड गेट से, तो यहां पे हमारा इनपुट क्या जाएगा, वन जाएगा। अगर Qn 1 है तो Qn बार 0 होगा और 0 यहां से फीडबैक है हमारे इस वाले नैंड गेट में, तो यहां से हमारा 0 इनपुट जाएगा इस नैंड गेट में। अब हमें मालूम है कि नैंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 मिलता है, यानी इसका आउटपुट यहां पे 1 मिलेगा। और यहां पे तीनों इनपुट 1 है इसीलिए आउटपुट आपको 0 मिलेगा इस टाइम पे। अब अगर वन और जीरो को हम अपने एस आर लैच में फीड करते हैं, एस की वैल्यू है वन और आर की वैल्यू है जीरो, इसको अगर एस आर लैच में दोगे तो आउटपुट क्या आएगा, वन जीरो के केस में आउटपुट हमें जीरो मिलेगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिल रहा है, नेक्स्ट स्टेट का जीरो। अगर ये जीरो है तो यहां पे क्या मिलेगा, वन। मतलब हम प्रेजेंट स्टेट लेके चले थे Qn की वन, हमें नेक्स्ट स्टेट क्या मिल रही है, जीरो। तो अगर Qn वन है तो Qn प्लस वन हमारी आ रही है जीरो, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए इन दोनों केस से कि जब हमने प्रेजेंट स्टेट को कंसीडर किया जीरो तो नेक्स्ट स्टेट हमारी आ गई वन, अगर हमने प्रेजेंट स्टेट को वन कंसीडर किया तो नेक्स्ट स्टेट आ गई हमारी जीरो। मतलब टॉगलिंग हो रही है, हमें हमेशा नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट की कॉम्प्लीमेंटेड मिल रही है। तो यहां पे इसको हम कहते हैं टॉगल, जिसमें हमारा आउटपुट प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलता है।
तो इस तरीके से हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप ने ये जो हमारी इनवैलिड वाली प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया यहाँ पे। तो ये है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप, इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।